पांच महीने तक नाबालिग से बलात्कार, शादी के नाम पर लूटी अस्मत, गर्भवती होने पर शुरू हुआ बवाल, प्रधान ने बलात्कार के आरोपी से करवाई शादी, 16 साल की नाबालिग पीड़िता की हुई शादी। जी हाँ, ये शर्मनाक मामला अमेठी जिले का है। वही अमेठी जिला जिसके सांसद केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी है। इस जिले में इतनी शर्मनाक हरकत को अंजाम दिया गया जिसके बारे में सुनकर हर कोई हैरान है। क्या कभी आपने सुना है कि बलात्कार की नाबालिग पीड़िता की शादी बलात्कार के आरोपी से ही करवा दी जाए? यकीनन कभी नहीं सुना होगा, लेकिन अमेठी जिले में ऐसा हुआ है। और आपके स्क्रीन पर चल रही ये तस्वीरें उसी शादी की है जिसमें दूल्हा वो आरोपी है जिसने इसी 16 साल की नाबालिग लड़की के साथ कई महीनों तक दुराचार किया। लेकिन जब पीड़ित परिवार थाने पर अपनी फरियाद लेकर पहुंचा तो उसके साथ क्या हुआ, सुनिए जरा। घटना हुई 22/8/2020 को। हम अपने परिवार के साथ बलात्कार हमारी नातिन के साथ हुआ। रोहित नाम का लड़का था, उसके नाम के उसी बाप का नाम है छिटनू। उसके पेट में 4 महीने का बच्चा था। इस मामले में हम आए थे थाने, वहाँ पर हमारे को धमकी दी गई। हम कि साले तुम नेता बनते हो, हमारे यहाँ आए थाने, यहाँ आओगे तो गोली मार देंगे। 2 थप्पड़ भी मारा मेरे को, ये बात। हाँ, साहेब लाल दरोगा वर्मा सिपाही, ये मेरे पर दबाव दबाया कि हम चलो शादी में वहाँ पर सहयोग दियो, ना करोगे तो फिर दबाव कर दिए, जबरदस्ती कर दी। हमारी नातिन को लड़के के साथ भेज दिया क्योंकि हमारी लड़की नाबालिग है। सुना आपने किस तरह ये बुजुर्ग पुलिस की हरकतों की तस्दीक कर रहे हैं। ये मामला अमेठी जिले के जामो थाना इलाके में मौजूद ग्राम पूरा भोला पांडे के मौजा अग्रावा का है, जहां रहने वाली नाबालिग लड़की को उसी गांव में रहने वाले रोहित और टिंकल ने अपने प्यार के जाल में फंसा लिया। टिंकल ने लड़की को शादी का झांसा दिया और उसके जिस्म के साथ खिलवाड़ शुरू कर दिया। रोहित और टिंकल ने मोहब्बत और शादी का वादा करते हुए नाबालिग के साथ जिस्मानी रिश्ते बनाए और ये सिलसिला कई महीनों तक यूं ही चलता रहा। एक दिन पता चला कि लड़की गर्भवती है और उसके पेट में पूरे 5 महीने का बच्चा है। बेटी के मुंह से आप बीती सुनकर परिवार के पैरों तले जमीन खिसक गई। 27 अगस्त के दिन पीड़िता के पिता सीधे जामो थाने पहुंचे और सारा मामला पुलिस के सामने बयां किया, लेकिन पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने की बजाय मामले में लीपापोती शुरू कर दी, जिसका नतीजा ये हुआ कि अगले ही दिन यानी 28 अगस्त को गांव के प्रभावशाली लोगों ने मिलकर जबरन वो कदम उठाया जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। जी हाँ, उन लोगों ने बलात्कार के आरोपी के साथ पीड़िता की शादी करवा दी, जिसके बाद से पीड़ित परिवार इंसाफ की आस में दर दर की ठोकरें खा रहा है। रोहित नाम का लड़का है, और के बाद हम जाने पाए, सुनील के उसे जाने पाए, जाने के बाद हम थाने आए, थाने में FIR लिखावे आए, हमारे FIR लिखा नहीं गवा, और उसके बाद वहाँ भल भल प्रयास की लड़की नाबालिग की है, वाके पेट में 4 महीना, लड़की की उम्र 16 साल है। रोगा रामनरेश सिपाही, राकेश प्रधान, पंकज सिंह, लंगर तिवारी, बिना हमारी जानकारी के ये सभी मिलके मेरी लड़की का दबाव डाल के शादी करा दें 28 तारीख का। और लड़का के साथ चली गया, 7 माह दोनों। हम DM ESP से न्याय चाहते, हमें न्याय का विजय मिले चाहिए, जो हमारे साथ अन्याय भा लड़की नाबालिग। आधार कार्ड पर गौर करें तो पीड़िता की पैदाइश साल 2004 की है। उसके हिसाब से पीड़िता इस वक्त नाबालिग है और उसकी उम्र महज 16 साल है। ऐसे में किस नियम के हिसाब से शादी की गई? लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। इस मामले में पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद आरोपी को गिरफ्तार क्यों नहीं करा, और किन हालातों में पीड़िता की शादी आरोपी से करवाई गई। अमेठी से न्यूज़ 7 नेशन के लिए मोहम्मद तौफीक के।
सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।